जिसके अंदर डर होता है ना, वो अपनी परछाई से भी डर जाता है। मैं भी अपनी परछाई देखकर डर गई। ये सब तो मेरे मन का भ्रम था। मैं भी क्या क्या सोच रही थी, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। डरना आ गई तुम्हारी चीचे। शुभू, शुभू, शुभू यहाँ क्या कर रही है? शुभू, शुभू, शुभू क्या हुआ? क्या हुआ बोलना, बोलना। इतनी रात गई यहाँ क्या कर रही है तू? दीदी मैं तो अंदर सो रही थी दीदी, मैंने अजीब से चीखने की आवाज सुनी इसलिए मैं देखने बाहर आई दीदी, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। हाँ बढ़िया ही झांसी की रानी, मैंने भी किसी की गाने की आवाज सुनी। कुत्ते या बिल्ली रो रहे होंगे, उसके लिए बाहर भटकने की क्या जरूरत है? तुझे अगर इस पोज में किसी भूत ने देख लिया तो उसे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। जा जाके चद्दर ओढ़ के सो जा। नहीं दीदी, वो जरूर कोई बुरी आत्मा थी। अरे इतना दिमाग काम में लगाया कर। अरे कोई आत्मा आत्मा नहीं है, चुपचाप जाके सो जा, आएगी तो मुझे देखकर वो भी डर जाएगी। टेंशन में लग रही थी इसलिए मैं आपके पीछे आपको देखने आ गई, पर आप तो देवर जी से भी ज्यादा डरपोक निकली और मुझे भी डरा दिया। जूता खाएगी मेरा, उठा मुझे। हाँ उठाती हूँ, आइए उठिए उठिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। अरे पैर क्या पकड़ रही है, हाथ पकड़ हाथ। हाँ हाथ दीजिए, आइए। मर गई। आप इतना क्यों डर गई थी? अरे ये भूतनी है ना, अपनी खुद भी डरी और मुझे भी डरा रही है। ये मोटी बोल रही है इसने भूत देखा। राघव ने सुन लिया था, अभी दौड़ता आएगा। निकाल दिया। देवर जी आप गलत पेड़ पे चढ़ गए हो। पेड़ से फर्क नहीं पड़ता भाभी, बस भूत से बचना चाहिए। आपके भैया देखेंगे तो मेरी चटनी बना देंगे। सॉरी भाभी, भाभी सॉरी। मैं नीचे बैठी, पैर नीचे रख, नीचे रख पैर, बोला ना। देवर जी आप उस पेड़ पे क्यों नहीं चढ़ते, वो मजबूत है। पेड़ रुक जा। मासी कैच कैच, ये भी ब्लू मैं भी ब्लू, कम ऑन थ्रू, एकदम मैचिंग कपड़ा से, मेड फॉर ईच अदर। इस तरह क्या घूर रहे हो? तुम्हारा ये ठंडा ठंडा कूल कूल लुक बहुत पसंद आया। ए ए, ए बच्चों यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ। क्या हुआ चाचू? तुम्हारी मम्मी नाश्ते के लिए बुला रही है, जाओ। चाची, चाची, बच्चे। प्रिया बच्चों के साथ खेलने के लिए ये ड्रेस सुवाच्चे। मैं एक मॉडल हूँ, सब कुछ मॉडर्न ड्रेस में करूंगी और यही मेरा स्टाइल है। और मैं हूँ कॉमन मैन, सब कुछ कॉमन मैन की तरह करना मेरा स्टाइल है। शट अप। शट अप कह रही हो? इंग्लिश में बात मत करो, मुझे पसंद नहीं है। क्यों? मेरी इंग्लिश कमजोर है। लड़की हंस रही है मतलब फंस रही है, अपने दिल की बात कह दे। तुम हंसते हुए कितनी खूबसूरत लगती हो, ओह शर्माते हुए तो कमाल लगती हो। बस करो। ऐसे मुड़ती हो तब तो टनटनाटन लगती हो। चुप हो जाओ। भाभी अता काय झाला रे? कुछ बात करनी है। किस बारे में? थोड़ुक अर्जेंट मैटर छे। मुझसे नहीं हुआ आपसे जरूर होगा। क्या आपसे नहीं होगा जो मुझसे होगा? जो मुझसे नहीं हुआ वो आपसे होगा। जरा खुल के बताइए। भाभी, देवर जी ये क्या कर रहे हैं? आपकी बहन का। मेरी बहन का क्या? आपके बहन से। बोलिए ना। तुम्हारी बेना ने आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर लाइन मारने की? उसे आई लव यू बोला कि नहीं? भाभी आपके चरण कहाँ है? भाभी भाभी ने देवर ने बच्चे सुन दियो बने छे गांडा नी तुर लव गुरु बने छे। मैं तो इन्हें प्यार की टिप्स दे रही थी, इनकी और मेरी बहन की जोड़ी खूब जमेगी। समझी चोड़ी वोड़ी तो ठीक है, लेकिन इसका कलर और उसका कलर साथ में मिल जाएंगे तो बच्चे कौन से कलर के पैदा होंगे? तुम मेरी माँ हो ना? क्या मेरी असली माँ हो ना? है ना? अरे देख क्या मेरी गलती है, तुम्हारे पति काले थे, मेरी गलती है, इन्हें जन्म दिया ना मुझे। राघव नगर देवर जी, क्या करूँ भाभी, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर कोई कलर पे कमेंट करे तो आग लगती है। आप तो प्यार की आग में जल रहे हो, पर क्या ये आग दोनों तरफ लगी है? सोचिए भाभी, वो छुट्टियाँ मनाने हमारे घर पर ही क्यों आई है? हम दोनों की आँखें मिल चुकी है, दिल मिल चुके हैं, बस इकरार करना बाकी है भाभी, और उसके लिए मेरे पास एक सॉलिड आइडिया। गुड मॉर्निंग। मैं अपनी छुट्टियां तुम्हारे साथ बिताने आई और मुझे छोड़कर तुम यहाँ दूसरी लड़कियों के साथ गरबा खेल रहे हो? गरबा नहीं, डांस कर रहा था। गरबा भी एक तरह का डांस है। झापड़ क्यों मारा था?
सॉरी। वैसे सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा। आई लव यू। बेटा किसका है? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? चटनी में नमक ही नहीं है। यार डर के मारे मेरा बुरा हाल है और आप सपने में चटनी चाट रहे हो। उठिए ना, बात तो सुनिए। केम परेशान करे छे? वो जो घोड़ा है ना, वो अपने आप चल रहा है। घोड़ा खरीदा, मुझे बताया नहीं? अरे वो असली घोड़ा नहीं, लकड़ी का घोड़ा। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। बेकार की बातें छोड़ो और आप मेरे साथ चलो। चलो ना, चलो जल्दी आओ, मैं आपको दिखाती हूँ। कहीं आपको लगी तो नहीं ना? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। झूठ हुआ तो तुम्हें घोड़ी बनाऊंगा। मैं सच कह रही हूँ। पता है। चलिए चलिए, मैं दिखाती हूँ। हे भगवान, रक्षा करना। देखा देखा, मैंने कहा था ना, अपने आप हिल रहा है, जरूर कोई गड़बड़ है, वरना ऐसा नहीं होता। हाथ छोड़ो। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अकेला मत छोड़िए, मतलब भी नहीं बढ़ते। ये तो रुक गया। कहानी खत्म। मैं भी कितनी पगली हूँ, ये तो हवा से हिल रहा था। लकड़ी का घोड़ा। हाँ पता है, हवा से हिल रहा था। समझ गई मैं। तो फिर मेरी नींद क्यों बिगाड़ी? मुझे माफ कर। आधी रात को दिमाग की चटनी बना दी तुमने। गलती हो गई। चुप कर, अगर फिर से मुझे उठाया ना तो तेरी चटनी बना दूंगा, समझी? मैं जा रहा हूँ, सोने उठाना मत। सबके सब अनाप शनाप कहानियाँ बनाते रहते हैं। नींद पूरी नहीं हुई ना, इसलिए मेरा दिमाग कुछ भी सोचने लगा है। नहीं तो मैं भूत भूत क्या? आप मुझे अकेला छोड़ के आ गए थे। चल, मुझे सुबह 5 बजे की बैंगलोर जाने वाली फ्लाइट पकड़नी है और तुम घोड़े के हिलने की टेंशन दे रही हो। आपने बताया नहीं बाहर जाने वाले? अब पता चल गया ना, सो जाओ। ठीक है। क्या जाए छे तू? आज देवी सरस्वती की पूजा है। ओ, तो दीदी ने मुझे साड़ी पहनने को कहा। अच्छा, तो इसलिए। अच्छा ये बात है। बहुत कड़क लग रही हो इस साड़ी में। लेकिन साड़ी ऐसे नहीं पहनते। साड़ी मैं पहनाता हूँ, ये ऐसे। आज घर में पूजा है ना, आज तेरे कंट्रोल। जय हनुमान। अरे निकलो, क्या छो तुम्हें? राघव, अरे सामान लेके आप पूजा नहीं करनी है क्या? बाइक लाता हूँ। अरे बाइक क्या घर में लेकर आएगा, एक लौट दूंगी। छोटा मोटा सामान लेकर आ जिसकी पूजा कर सके। क्रिकेट बैट लाता हूँ। जा जल्दी आ। ए, तुम्हारी पूजा हो गई क्या? पूजा ही तो कर रहे हैं। माँ सरस्वती, मुझे मेरे सारे क्रिकेट मैच जिता देना। ओके। अरे राघव, मुझे ये नारियल फोड़ के दे। महंगी टाइल्स है।
तो फिर कहाँ फोड़ू इसे? मेरे सिर पे फोड़, अपना दिमाग चला। रुक 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 रुक, ये ले जा, फोड़ इसे। एक बार में फोड़ के दिखाओ तो मैं मानूं। मेरे फटके से तुम्हें झटका नहीं लगा तो कहना, एक बार में ही फूटेगा। देखते हैं। What the power! Super! Super! नारियल फोड़ा। ला दे मुझे नारियल। ये क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है मुझे? मैंने नारियल के दो टुकड़े करने को कहा था, तूने तो इसकी चटनी ही बना दी। नहीं माँ, वो क्या? आपके बेटे के पास ना सुपर पावर है। इसने एक झटके से नारियल के टुकड़े कर दिए। हाँ माँ, इतना पावर है, मुझे भी नहीं पता था। पावर दिखाने के लिए मेरा ही नारियल मिला था तुझे। मेरा पावर दिखाओगे तुझे? हे भगवान, अबे दूसरा नारियल कहाँ से लाऊं? तुम जाओ अंदर, मंदिर जाने का टाइम हो गया।